सो वॉइस इन गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड अल्टीमेट। और मैं काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे याद भी नहीं कि लास्ट वीडियो मैंने कब अपलोड किया था। तो गाइस हम खेल रहे हैं पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड। तो पिछली बार गाइस मुझे कुछ याद नहीं आता कि मैंने क्या किया था, लेकिन गाइस मुझे पता है कि मैं जिम में जाने वाला था, तो चलते हैं फिर। ओके और गाइस मैं मतलब एक नया गेम स्टार्ट करने वाला हूँ, पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन 3। तो वो काफ़ी अच्छा गेम है, मैंने मतलब इसके थोड़े गेम प्ले देखे हैं, मतलब गेम प्ले नहीं देखे, मतलब उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है और वो काफ़ी अच्छा गेम है। उसमें हम गाइस एच के एचम की कुछ स्टोरी वगैरह होती है, मतलब एच की नहीं होती, मतलब उसमें एच के एचम होता है पर स्टोरी कहीं किसी और की होती है। मेन करेक्टर गाइस उस गेम में कोई और होता है, अब मुझे याद नहीं कि मतलब क्या था। एक मिनट जी, क्या था, ऐसा लग रहा कुछ बग वगैरह था, ऐसे से करते हैं। नहीं यहाँ पर बग है गाइस, ठीक है कोई बात नहीं, हम अंदर जाते हैं, हमें क्या लेना देना। ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है गाइस वो मैं स्टोन ड्रैगन 3 खेलने वाला हूँ। और गाइस उसमें एक और चीज़ है, मतलब उसमें गाइस एक और फीचर है, नया फीचर है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर हम टीम प्लाज्मा से हार जाते हैं ना, तो वो लोग है ना हमारे एक पोकेमॉन ले लेंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खेला जाए यार एक बार गेम, क्योंकि वो हमारा एक पोकेमॉन ले लेंगे यार। तो अगर हम गाइस टीम प्लाज्मा से हारे तो हमारा एक पोकेमॉन चला जाएगा, तो इसलिए गाइस कोशिश करेंगे कि हम ना हारे टीम प्लाज्मा से। पता चला कि वो लोग मेरा स्टार्टअप पोकेमॉन लेके चले गए। और उस गाइस एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाइस उसमें, अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है उसमें गाइस साइनी। ठीक है छोड़ो, मतलब ये सरप्राइज सकते हैं, ठीक है इसे नहीं बताते हैं, पर उसमें गाइस कुछ साइनी पोकेमॉन का कुछ है। मैं गाइस जब आप गेम प्ले देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है, पर मैं थोड़ा सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता इसलिए, तो थोड़ा सा सफाई सकते हैं। चलो गाइस मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ऐसे भी काफ़ी बोरिंग होती है बैटल्स। ओके बढ़िया गाइस, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गेम पड़ा है पर मैं खेल ही नहीं पा रहा यार उसे, पता नहीं क्यों। और ये क्या है, ओह वाओ काफ़ी सही है, मतलब ये तो सच में यार मतलब अच्छा है। साइड में चलते हैं फिलहाल, तो हमें जाना है यहाँ पर। ओके एकदम पीछे फेंक देते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ओके तो एक मिनट हमें जाना है यहाँ पर। ओ नो सॉरी मैं कर नहीं पाया, पता नहीं कंट्रोल काम नहीं किया, एक मिनट। हाँ ओके चलो, और पता नहीं कितने, अरे अरे नहीं ये ठीक बात नहीं, वो गलती से हो गया था, अब मुझे फिर से करना पड़ेगा, मैं बस अभी आएगा इस। चलो गाइस चलते हैं, अंकल से बैटल करते हैं। आई हैव नो फियर फॉर एनीथिंग टफ, आई सेटर बोल्डर्स फॉर ट्रेनिंग एवरी डे। अच्छा ठीक है, मतलब पत्थर पत्थर तोड़ता है ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है जो भी है। इसके पास एक ही पोकेमॉन है, इजीली हरा देंगे हम तो। अरे मेरा तो बच्चे हरा देंगे, मतलब सॉरी बच्चे के चक्कर में मर गया मेरा कॉर्बिन स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस गैलेक्सी गेमर ने मुझे एक सजेशन दिया था एक पोकेमॉन पकड़ने का, जिसका नाम मुझे पता नहीं क्या था, पर मैं वो पोकेमॉन पकड़ लूँगा अगर मुझे मिले तो। और मेरे पोकेमॉन की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही थी, मैंने जिम में जाने से पहले मैं लगता है मैं गाइस पोकेमॉन सेंटर में नहीं गया। ओहो मैं नर्जो से काफ़ी टाइम से नहीं मिला हूँ, और ये मेरे पोकेमॉन की लगा रहा है यार, मतलब हर एक ही अटैक में कैसे मार रहा है ये भाई, 36 लेवल का है। ओके मतलब हाँ मतलब ठीक है, ओके बढ़िया गाइस हम इसे हरा सकते हैं, बढ़िया। मैं गाइस सोच रहा हूँ कि मैं पहले नर्जो से जाके मिल के आ जाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया यार नर्जो से नहीं मिले हम। नर्जो मैं आ रहा हूँ, एक मिनट ओ व्हाट सॉरी गाइस पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरा गेम क्रैश हो गया। एक मिनट सॉरी मैं भूल गया था, इसे मैंने स्पीड अप कर रखी थी गेम। चलो इस नर्स से मिल के आते हैं, ऐसे काफ़ी टाइम हो गया। नर्स जो है आपका जियो आ रहा है, सॉरी गाइस ठीक है गलत मत समझना है ना, कुछ नहीं हम बस फ्रेंड्स हैं, ठीक है अब ये और अजीब लग रहा है। चलो नर्स जो है कहाँ गई, नर्स जी कहाँ पर हैं, ओके ये रही नर्स जी मैं आ गया आपका जियो, प्लीज़ मेरे पोकेमॉन को हील कर दीजिए जल्दी से। ओके बहुत हो गया क्या मेरे पोकेमॉन हील इतनी जल्दी, क्या बात है नर्स जी मतलब काफ़ी अच्छे काम करती हैं, मतलब 2 मिनट में ही पोकेमॉन हील हो जाते हैं। एनिमी से तो अच्छा ही, मतलब उसमें तो मतलब आधा घंटा लग ही जाता होगा, मतलब आधा एक घंटा तो लगता ही होगा ना, पर यहाँ तो मतलब बस चुटकी में 2 सेकंड में। चलो गाइस चलते हैं फिर से जिम में, मैं मिलता हूँ फिर वहाँ पर जहाँ पर हम पिछली बार छोड़ के गए थे।
इसमें जो तुम्हें एक और चीज़ दिखानी है, देखो अगर मैं इस वाले रास्ते पे जाता ना, पिछली रेस में गया था वहाँ पर दूसरी तरफ से, ठीक है, और अगर मैं इस बार इस तरफ से जाता ना तो एकदम अलग ही जगह मतलब पहुँच जाते हम, तो एकदम टोटली डिफरेंट है गाइस। मुझे लग रहा है एक ही होंगे पर ये पूरी तरह से डिफरेंट है। देखो यहाँ पर पर्पल है यार, ठीक है चलते हैं, फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं। वैसे मैंने वहाँ का छोड़ दिया यार। वही ऐसे क्यों होंगे इस मतलब अलग अलग क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है जो भी है, ये गोस्ट टाइप है और वो मतलब था मतलब कुछ मुझे नहीं पता कौन सी टाइपिंग था, पर आई थिंक हो सकता है वो फायर टाइप हो, पर ये वाली जगह थोड़ी गोस्ट टाइप जैसी कुछ लग रही है। तो टोटली डिफरेंट है इस दोनों में, अगर मैं दोनों में से किसी एक को भी हरा देता मतलब यहाँ पर, तो हो सकता है कि हमें बैज मिल जाए, या मतलब हमें किसी दोनों मतलब हमें दोनों को हराने की जरूरत नहीं है, हम किसी एक को भी हरा सकते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। मैं देखता हूँ मतलब दोनों को हरा के देखते हैं मज़ा आएगी अगर मैं दोनों को मतलब बैटल कर पाऊँ दोनों से। शायद देखो गाइस पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में काफ़ी सारे मतलब अलग अलग जिम लीडर थे, तो पोकेमॉन स्वॉर्ड में अलग थे और पोकेमॉन शील्ड में अलग थे, और इसमें गाइस दोनों में मतलब इस वाले जो गेम है ना स्वॉर्ड एंड शील्ड अल्टीमेट जी भी है, तो इसमें गाइस दोनों ही एक ही गेम में है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है, हम दोनों से बैटल कर पाए तो ज़्यादा मज़ा आएगी देखते हैं मतलब अगर बैटल कर पाए तो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर देखो बग नहीं है गाइस, चलो अच्छी बात है कम से कम यहाँ पर बग तो नहीं है। ओके तो जल्दी से मैं बैटल करके मिलता हूँ फिर इससे, फ्लेम थोड़ा सा ख़त्म है ये। ओ यप बढ़िया इजी पीजी। तो अब कहाँ जाना है मुझे, एक मिनट यहाँ पर कुछ है क्या, एक मिनट नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना था। अरे नहीं जाना भाई, अरे रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, ये क्या चल रहा है मतलब व्हाट, ये तो ठीक बात नहीं, ये क्या था मतलब पूरा मुझे यार ये फिर से मुझे करना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या था उसकी वजह से मुझे फिर से करना पड़ा ये। चलो गाइस मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक बार फिर से, इस बार मैं थोड़ा अरे नहीं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस मुझे। ओके ओके बच चलो अभी देखना पड़ेगा गाइस फिर से मतलब मेरे से कुछ कांड वगैरह ना हो जाए। ओके बच गए चलो बढ़िया फाइनली जाके हम पहुँच गए, काफ़ी मुश्किल था। ओके इसके पास एक काफ़ी ख़तरनाक वाला पोकेमॉन है, पर कोई बात नहीं हम आराम से हरा देंगे इसे, हमारे पास एडवांटेज है रबूट। वैसे मेरा स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा था, रबूट था ना मेरा, हाँ मतलब फॉरेन सील है ना। ओ डैम गाइस ये कौन है, ये लड़का है कि लड़की, पहले तो ये बताओ। ओ देखने से लड़का लग रहा है पर ये लड़की है, ठीक है बढ़िया अच्छी बात है। तो लेट्स बैटल दिस। ओके हम डायनामिक्स कर सकते हैं पर अभी नहीं। ओके गाइस फ्लेम थ्रोर करते हैं, मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा, इतना डैमेज नहीं होने वाला मुझे पता है। यस आई नो दैट इजी पीजी, फिर भी हम आराम से हरा देंगे। ओके इसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा, ओह इसने चेंज कर लिया, ये तो गलत बात है। मिमिक की, ओह यार मिमिक तो गाइस मुझे बहुत ही कमाल का पोकेमॉन लगता है, और ये अब तो ये पोकेमॉन यूनाइट में भी आने वाला है सच में। आई लव यू टू मतलब मिमिक यू काफ़ी सही है। चलो ठीक है, और पहला अटैक जो उस पर डैमेज होता है ना वो बोला उस पर बहुत ही कम डैमेज होता है पहले अटैक में, मतलब इसकी कोई एबिलिटी वगैरह है पता नहीं क्या है, पर हाँ उससे मतलब काफ़ी कम डैमेज होता है इसे पहले अटैक में, पर दूसरे अटैक में तो इसकी लग जाती है। ओके लेट्स गो, इसने मुझे हरा दिया। तो गाइस गोस्ट टाइप के खिलाफ कौन सा टाइपिंग मतलब बेस्ट रहेगी, सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए पता नहीं क्या मतलब इनको पता नहीं गाइस क्यों शोर मचाते इतना, थोड़ी पीसफुल रहने दो लाइफ यार, दुनिया को थोड़ा मतलब शांति नहीं है किसी को भी, इसे देखो शोर मचा रहा है, मुझे मतलब एकदम पीस पसंद है ठीक है घर में हो या बाहर मतलब, पर ये दुनिया गाइस काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है तो बस इसे इग्नोर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं भी यही करता हूँ इग्नोर सबको। ओ नो काफ़ी डैमेज दे दिया इसने, ये क्या है उसको कुछ काम भी नहीं कर रहा, एक काम करते ड्रैगन ब्रेथ करते हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, पर इसने पहले ही हम मार दिया मुझे ठीक है कोई बात नहीं मेमी क्यों मैं आ रहा हूँ रुक जा। ओके तो भाई इसका फ्लाइंग टाइम मूव काफ़ी ज़्यादा सुपर इफेक्टिव रहेंगे तो यूज़ करते हैं। ओ नहीं यार हाइपर पोशन नहीं, ये चीटिंग है। चलो गाइस काफ़ी डैमेज कर दिया हमने, फिर से हाइपर पोशन नहीं ठीक बात नहीं है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। व्हाट उसने एक ही अटैक में मुझे हरा दिया,
ये ठीक बात नहीं है गाइस गाइस गाइस, क्या करूँ मैं, क्या हो रहा है। माना कि वो 34 लेवल का, फिर भी कम से कम यार मुझे मौका तो दे, एक मौका दे दे बस, बताता हूँ तुझे। ओके बढ़िया, क्या बात है, हम फिर इससे हारने वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है यार। मुझे हारना नहीं, एक काम करते हैं, रिवाइव है ना मेरे पास, ठीक है यूज़ करते हैं फिर। 40 रिवाइव है मेरे पास, इतनी सारी लेके घूम रहा हूँ मैं। तो किसको रिवाइव करें, हाँ फाफिस को करते हैं ना, सरफिस को अपने, और इस पर डायनामिक्स करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मैं इस पर डायनामिक्स बेस नहीं करना चाहता, मिमिक क्यू पे मतलब थोड़ा सा तो रह गया बस, शैडो स्नीक कर रहा है। ओके बढ़िया, नहीं ये गलत है, बहुत गलत है। चलो गाइस एक काम करते, एक बार फिर से रिवाइव कर देते किसी और को पुगिन को, ताकि अगर ये फेंड हो जाए तो मेरे पास एक पुगिन रहे। देखा इतनी गाइस, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ इसे हरा के, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इसमें कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, मैं बस अभी आया। चलो गाइस मेरे रबोट ने इसे हरा दिया, पर मेरी रबोट की हालत ख़राब है और मुझे रिवाइव करना पड़ेगा किसी को। ओ कौन सा है, यमास है ना। ओके तो मैं किसी को डायनामिक्स करना चाहता हूँ, किसको करूँ ना, सर्फिस ठीक रहेगा मुझे लगता है। हाँ चलो सर्फिस ठीक रहेगा, पर मुझे इसे हील करना पड़ेगा यार पहले तो। ओके बढ़िया, किसी और को निकाल, अरे यार मैं क्या करूँ सच में समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं इसे हील करना चाहूँ, अगर ये मर गया तो क्या हो गया। एक काम करते हैं किसी और को मतलब कर देते हैं अपने चार मिनट को, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं, और इसमें मुझे हाइपर पोशन वगैरह दे देना। एक मिनट, ये रहा हाइपर पोशन। ओके बढ़िया, चलो अब काम हो गया हमारा, प्लीज़ ज़्यादा डैमेज मत करना प्लीज़, नहीं 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 प्लीज़ 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 नहीं नहीं नहीं। ओके बढ़िया, क्या हुआ, चलो अब हम आराम से डायनामिक्स कर पाएंगे, पर ये पहले से ही मरने वाला है, क्या करूँ मैं, ऐसे ही मार देते हैं और क्या। और इसका लास्ट पुन बचा होगा ना अभी। ओके वो क्या डीफॉक सीख रहा है, ऐसे ये कैसा मूव है वैसे ये मुझे बताएगा। ओके डीफॉक स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लोज अवे द टारगेट्स। ओके ठीक है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है तो ठीक है हटाते हैं। चलो भाई अभी आ रहा है कॉर्ड चिल्ला, और इसे डायनामिक्स करेंगे मुझे पता है, और मेरे पास गाइस काफ़ी अच्छे मूव हैं, तो मैं इसे बर्टोला स्विंग से मारूंगा। डायनामिक्स, ओ यप क्या बात है। ओ चलो ये लास्ट पुकिन है इसका, और ये पहले से ही डायनामिक्स है क्या, और पहले से ही जगेंटामैक्स है क्या, कुछ भी गाइस ये पर कुछ गड़बड़ चल रही है इस गेम में, कुछ गड़बड़ है मैं बता रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है, मतलब पहले से ही डायनामिक्स है, अब और कितने डायनामिक्स करेगी ये इसको। देखा मैंने कहा था ना पहले से ही डायनामिक्स है वो फिर से। ओके गाइस अब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं क्या करूँ गाइस, हाइपर पोशन अगर मैं देता हूँ ना इसे, स्पीड गाइस किसकी ज़्यादा है मुझे बताओ, अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी भी कम हुई ना तो मेरा लग जाएंगे मेरे लग जाएंगे बताओ क्या करूँ गाइस। ठीक है गाइस तीन तक गिनते हैं, और मतलब मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है 1 2 3। ओके नहीं ठीक है गाइस, मेरे पास पुकिन था यार, कोई बात नहीं गाइस बढ़िया, अच्छा है कि मैंने रिवाइव कर रखा था 4 मिलियन को, मुझे लगा कि मैं हार गया, चलो बढ़िया, थोड़ी सी मतलब राहत मिली। बस इसका डायनामिक्स ख़त्म हो जाना एक बार, तो फिर हम मारते हैं इसे बढ़िया। अब मैं करने वाला हूँ इसे हाइपर पोशन देने वाला हूँ, एक तो ये फास्ट फॉरवर्ड में गाइस काफ़ी प्रॉब्लम आती है मुझे कंट्रोल करने में, कहाँ पर है मेरे पोशन वगैरह, ये रहे हाइपर पोशन। चलो ठीक है हो गया हमारा काम, काफ़ी डैमेज कर दिया इसने, फिर भी कोई बात नहीं हम हरा देंगे। गाइस मैं हार गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऑलमोस्ट उसे हरा दिया था, मतलब ये ठीक बात नहीं बिल्कुल भी, ये बहुत गलत है। कैसे मतलब यार, मतलब इतनी मेहनत की थी यार पूरा, और ठीक है गाइस हो गया, मेरी गलती है मुझे पता है, ठीक है मैं बस मिलता हूँ उसे हराने के बाद, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, टाइम लगेगा मुझे तो थोड़ा सा। तो वैसे इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब इसे मतलब हरा दिया गाइस, मतलब हराया नहीं अभी तक, अभी 2 पुकिन बचे हैं बस, पर हम इसे बार हरा देंगे, इस मैंने इसके गैंगर को पहले ही हरा दिया तो काफ़ी बढ़िया।
और मेरा 4 मिलियन सीख रहा है फायर बर्स्ट, क्या बात है। तो उसे सिखाते हैं हम गाइस फायर बर्स्ट, स्क्रैच हटा देते हैं, ठीक है। चलो भाई, मतलब घाइस वाइस जो भी है, ठीक है। स्टील विंग मारते हैं इसे। ओ मैंने देखा ही नहीं था यार, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, मैंने देखा ही नहीं था, मुझे हाइपर पोशन यूज़ करना चाहिए था। ओके इस पर कुछ असर नहीं होने वाला, एक काम करते हैं मुझे रिवाइव कर देना चाहिए। अपना गाइस सरफेस काफ़ी तगड़ा पोजन है इस गेम में, मतलब इन सब में से मुझे सबसे अच्छा सरफेस लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब अपना चार्जर आएगा तो मतलब वो तो आग लगा देगा। तब तक के लिए वेट करते हैं। चलो गाइस क्या बात है, हमने 4 मिलियन बहुत बुरी तरह से बिजली करवा दी, सॉरी। चलो एक काम करते हैं, हाइपर पोशन देते हैं। मुझे पता है अभी मैं थोड़ा सा बोरिंग होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं अच्छे से। ओके चलो गाइस अब मैं इसकी वार्ड लगाने वाला हूँ। तो मुझे तो बहुत उड़ जाता, ये क्या था मतलब, सच में मतलब कैसे। ओके तो मैं क्या करूँ अभी, रॉक तुम करते हैं, क्या बात है, क्या डैमेज है पर मेरी लगने वाली। चलो गाइस मैंने इसे हरा दी, मिमिक्यू को काफ़ी मुश्किल से आ गई मतलब सच में। और ये काउंटर सीख रहा है, मतलब काउंटर रहने दो गाइस, पहले से अच्छी काफ़ी मूव हैं तो नहीं सिखाते हैं, बढ़िया। ओके रबूट निकालते हैं, कोर्सिला, चलो कोर्सिला को तो हमने हरा दिया, अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है यमा, इसे भी हम, ओ वाह क्या बात है। अपना रबूट काफ़ी तगड़ा है और बस ये एक लेवल पर इवॉल्व भी हो जाएगा सिंड्रेस में। ओ वाट पहले हो गया गाइस, सिंड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और खासकर पोकेमॉन यूनाइट में, मतलब मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। पायरोवॉल सीख रहा है, ओ यार ये मतलब सच में काफ़ी तगड़ा मूव है। तो पायरोवॉल का डैमेज गाइस देखो तो सही, 120 का डैमेज है। तो मैं गाइस सोच रहा हूँ कि हेडबट हटा दूँ, मुझे पता है काफ़ी अच्छा मूव है, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैक्स फैंटम दे दिए, मतलब पता नहीं क्या था, मैक्स फैंटम कुछ था, आई डोंट नो व्हाट। चलो गाइस काफ़ी मुश्किल था आज का बैटल, पर हमने हरा तो दिया कम से कम। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही किसी हो गया ना अभी, अब क्या करना। और सोनिया मुझे दिख रही है यहाँ पर, ये यम पर क्या कर रहे हैं मेरे सामने। तो गाइस अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, सोनिया क्यों आई है, तो देखते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर, अब जाओ भी।